खबर सतना जिले के रामनगर से है, जहां नगर परिषद वार्ड नंबर 7 के वार्ड प्रभारी नारायण कुशवाहा पर प्राण घातक हमला हुआ है, जिससे उन्हें काफी चोटें आई हैं। उनके द्वारा जारी वीडियो में आप बीती बताई गई है। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना थाना रामनगर में दर्ज कराई है। डॉक्टरी परीक्षण जांच विवेचना जारी है, जिसके आधार पर FIR में धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। पुलिस के अनुसार कार्यवाही हो रही है, जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अब यह बात अलग है कि आरोपी राजनैतिक संरक्षण प्राप्त बताए जाते हैं, जिनके लिए नियम कानून मायने नहीं रखते। यदि मायने रखता है तो उनका रसूख, बेचारा गरीब निकाय कर्मी अधिकारियों कर्मचारियों के कृत्यों की सजा पाकर खुद को कृतकृत्य समझ रहा है। खबर के अनुसार आरोपियों के हमले से नारायण के चेहरे, आंख, नाक में चोट और कान के पर्दे फटने, हाथ टूटने की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि यह तो डॉक्टरी मुलाहिजा रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा, लेकिन सत्ता के नशे में चूर आरोपी, जो कानून को अपनी रखेल जागीर समझते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, यह एक यक्ष प्रश्न है। क्या घटना हुई आपके साथ? कल गए थे राम विश्वास सोनी के बच्ची की शादी में, वहाँ भोजन लिया, भोजन लेने के बाद बाहर आए और भीड़ ज़्यादा होने के कारण गाड़ी नहीं निकाल पाए। इसके बाद कुछ टाइम में फ़ोन घर से आ गए, बात करते रहे। थोड़ी देर बाद दो लोग आए, रुपेश पटेल और एक और था तारानाथ पटेल, आए और कहे कि सर थोड़ा सा आइए, काम है, किनारे बुलाए। और जैसे ही मैं शोभनाथ पटेल के घर के बगल में गया तो रुपेश पटेल ने पीछे से कान के नीचे इतना पड़ाक पड़ाक 5-6 मुक्का मारा कि मेरे नाक से पूरी तरह से खून, कान का पीछे एक साइड का पर्दा भी फट गया, हाथ टूट गया। और फिर इसके बाद मैं पूछा कि मेरी क्या गलती है, तो बोलते हैं कि साला गुंडागर्दी दिखाता है, आवास की दूसरी किस्त क्यों नहीं दिया। हमने कहा कि आप किस्त मिल जाएगी, अगर नहीं भी मिलती है तो आप साहब से बात कर लीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, काहे मार रहे हैं। तो इसके बाद घंटों हमको पिटाई किए, जान बचा करके हमारे कुछ मित्रगण रहे उनके सहयोग से मैं थाने तक पहुंचा और रात में थाने में आवेदन दिया। इसके बाद रवि सर जाँच किए पूरी और इसके बाद मैं चला गया घर। यही व्यथा रही मेरे साथ।